नमस्कार, स्वागत है न्यूज आईटी में। मैं बोलते सक्सेन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस की। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 92,071 नए मामले पूरे भारत के अंदर सामने आए हैं, जिसके अंदर 1,136 मौतें भी हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 9,26,598 लोग अभी भी कोरोना की चपेट में है और उनका इलाज अभी भी जारी है। आइए नजर डालते हैं कि किस जिले के अंदर कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। भारत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 92,071 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 1,136 मौतें भी हुई हैं। ऐसे में अब देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 48,46,428 हो गई, जिसमें 9,86,598 सक्रिय मामले हैं। आपको बता दूँ कि 37,80,108 ठीक हो गए और 79,722 मौतें शामिल हैं। अब तक कुल 5,72,39,428 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। आपको बता दूँ कि ICMR के अनुसार कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,72,39,428 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,78,500 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रहा है। मृत्यु दर गिरकर 1.64% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर के 21% हो गई है। इस खबर का सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।